कॉस्मेटिक के गोदाम में 5 लाख रुपए के अवैध पटाखे बरामद। सोनभद्र जिले के अनपरा थाना क्षेत्र में स्थित एक मकान से पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद किया है। छापेमारी के दौरान 10 बोरी व 7 पेटी में भरे पटाखे बरामद किए गए। पुलिस ने पटाखे जब्त कर छानबीन में जुट गई है। इससे पहले रॉबर्ट्सगंज कस्बे में भी आबादी के बीच रखे 7 लाख के पटाखे पकड़े गए थे। इन पटाखों की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले में सीओ पिपरी अमित कुमार ने बताया कि मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि एक मकान में भारी मात्रा में अवैध पटाखे रखे गए हैं। सूचना के आधार पर पूर्व परासी के राधाकृष्ण मंदिर के समीप एक मकान में दबिश दी गई टीम ने मकान के अंदर से पटाखे की खेप बरामद किया। रेणुसागर चौकी क्षेत्र के त्रिलोक चंद्र सिंगला के कॉस्मेटिक के गोदाम 10 बोरी व 7 बड़ी पेटी में पटाखे का अवैध भंडारण पकड़ा गया है। इन पटाखों की कुल कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। इसे दीपावली पर बिक्री के लिए रखा गया था। दुकानदार द्वारा भंडारण से संबंधित कोई कागजात नहीं दिखा सका। रखे पटाखे जब्त कर लिए गया है। थाने लाकर छानबीन शुरू कर दी गई है। मामले में केस दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। कुछ पटाखे वगैरह पकड़े गए हैं भारी मात्रा में, क्या उसका डिटेल्स वगैरह है? आज थाना अनपरा क्षेत्र के अंतर्गत रेणुसागर चौकी क्षेत्र में रेणुसागर चौकी इंचार्ज द्वारा अपने व्यक्तिगत जो है मुखबिर और इन सब की सहायता से जो है एक भंडारण पकड़ा गया है, जिसमें लगभग बाजार कीमत जिसकी होगी लगभग 5 लाख के आसपास का आतिशबाजी का सामान है, जिसमें 10 बड़ी बोरी में सामान पकड़ा गया है और 7 के आसपास बड़े कार्टून हैं। और यह जो सारा सामान है वो एक त्रिलोक चंद्र सिंगला नाम के व्यक्ति हैं, जो राधा कृष्ण मंदिर गली रेणुसागर में रहते हैं, उनके यहाँ से बरामद हुआ है। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।